और अब टॉप नाइन। बाइडेन ने पोलैंड से पुतिन के बारे में क्या बोला, पुतिन के आरोपों पर बाइडेन ने क्या दिया जवाब, यूक्रेन के सपोर्ट को लेकर बाइडेन ने क्या कहा, पुतिन ने युद्ध के लिए किसको ठहराया जिम्मेदार, पुतिन वर्सेस बाइडेन से जुड़ी खबरों के लिए देखिए महायुद्ध टॉप नाइन। पुतिन के आरोपों पर राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अमेरिका रूस को कंट्रोल नहीं करना चाहता है, अमेरिका या यूरोप रूस को तबाह नहीं करना चाहता, रूस कभी भी यूक्रेन युद्ध नहीं जीत सकता है, पुतिन यूक्रेन की जमीन पर कब्जे के लिए युद्ध कर रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि पश्चिमी देश कभी भी रूस पर हमले का इरादा नहीं रखते हैं, ये युद्ध राष्ट्रपति पुतिन ने चुना है, अमेरिका ने नहीं, पुतिन चाहे तो युद्ध खत्म हो जाएगा, रूस ने हमला बंद किया तो युद्ध बंद हो जाएगा, यूक्रेन सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए जंग लड़ रहा है। बाइडेन ने रूसी सेना पर भी बड़ा आरोप लगाया है, कहा है कि रूसी सेना ने यूक्रेन में आम लोगों का कत्लेआम किया, घर उजाड़ दिया, रेप जैसे घिनौने अपराध किया, रूस ने यूक्रेन के बच्चों का भविष्य छीन लिया है, स्कूल हॉस्पिटल और अनाथालय सब कुछ बर्बाद कर दिया। पोलैंड से बाइडेन ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हम यूक्रेन के साथ हर वक्त खड़े हैं, बिना थके बिना रुके यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। बाइडेन ने कहा कि पुतिन ने नाटो को तोड़ने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे, रूसी हमला यूक्रेन का इम्तिहान नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की परीक्षा है। बाइडेन से पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी रूसी संसद में अमेरिका और पश्चिमी देशों पर जमकर निशाना साधा और युद्ध के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया। पुतिन ने कहा कि सबको पता है यूक्रेन ने दुनिया को युद्ध में ढकेला, जेलेंस्की ने ही रूस को हथियार उठाने के लिए मजबूर किया। पुतिन ने कहा वो खून खराबा नहीं चाहते लेकिन नाटो का दखल रूस में बढ़ रहा है, मदद के नाम पर नाटो जंग को भड़का रहा है, पश्चिमी देश यूक्रेन के कंधों पर बंदूक रख कर चला रहे हैं, यूक्रेन को लूट रहे हैं। बाइडेन के सख्त रुख के बाद रूस बैकफुट पर आ गया है, रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस न्यूक्लियर हथियारों पर प्रतिबंधों का पालन जारी रखेगा, स्टार्ट संधि तोड़ने का फैसला पलट सकते हैं, पुतिन ने न्यूक्लियर ट्रीटी सस्पेंड करने का ऐलान किया था। पुतिन के आरोपों के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि रूस के साथ हथियारों की संख्या पर चर्चा के लिए अमेरिका तैयार है। पुतिन ने न्यूक्लियर ट्रीटी सस्पेंड का ऐलान करते हुए कहा था कि रूस ट्रीटी का पालन कर रहा है लेकिन दूसरे नाटो देश न्यूक्लियर जखीरा बढ़ा रहे हैं। सोलेडा पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है लेकिन यूक्रेनी सेना अब भी रूसी सेना को लगातार निशाना बना रही है। यूक्रेनी सेना ने सोलेडर में रूस के कई ठिकानों पर हमला किया, रेलवे लाइन को भी मिसाइल हमले में उड़ा दिया।